जी, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए आपके यूनिक पब्लिकेशन पुस्तक के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि सामान्य अध्ययन का है। और यह प्रश्न जो है 2022 ईस्वी में पूछा हुआ प्रश्न है। और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा, यह हमारा जो है सेट नंबर 2 है। इससे पहले हमने जो है सेट नंबर 1 को कम्प्लीट किया है, तो आप लोग जरूर प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, जरूर देखिएगा। और अभी हम जो है प्रश्न को करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है मोनाजाइट रेत में निर्मित है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि मोनाजाइट रेत में जो आपका खनिज जो है कौन मतलब निर्मित है। यहाँ पर ऑप्शन है तेल है, यूरेनियम है, कोयला है, फिर यहाँ पर आपका थोरियम है। तो याद रखिएगा, यह जो आपका प्रश्न है कि मतलब कौन सा खनिज जो है मोनाजाइट रेत में निर्मित है, तो वो आपका जो है थोरियम है। थोरियम जो खनिज है ना, यह आपका जो है मोनाजाइट जो आपका रेत है ना, उससे निर्मित है। और यह जो होता है, इसका भंडार क्षेत्र जो होता है सबसे ज्यादा जो है केरल में है। कहाँ पर है सबसे ज्यादा जो है, यह केरल में पाया जाता है, याद रखिएगा, समझ गए। सबसे ज्यादा जो है केरल में पाया जाता है। थोरियम का जो होता है आपका, इसका अगर परमाणु संख्या की बात करें तो 90 होता है। और इसको डिनोट करने का तरीका जो होता है TH से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दूसरा नंबर देखिएगा कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो आपका बहुजन समाज पार्टी है, यह कहाँ का पार्टी है, तो यह जो है आपका उत्तर प्रदेश का है, समझ गए। तो यह उत्तर प्रदेश का पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी ज्यादातर उत्तर प्रदेश में ही है। मायावती की पार्टी है, समझ गए। मायावती अभी इनके शायद अध्यक्ष हैं, और इनका चुनाव चिन्ह जो है हाथी छाप है, समझ गए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कांसीराम, साहू महाराज, वी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा कांसीराम, यानी सबसे पहले पूछा ना समाज के जो है संस्थापक ये हैं, स्थापना इन्होंने किया था। और यह जो स्थापना जो है 1984 में किया था कांसीराम ने, समझ गए। और इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो आपका हाथी है, याद रखिएगा, क्लियर है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 108 है, देखिएगा। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी जो है द्वीप कार्यों में लगी हुई है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की जो आपके आबादी है, कितने जो आबादी है वो आपके द्वीप कार्यों में लगी हुई है। 3.8%, 4.2%, 41.6%, 54.6%। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 3.8%। 108 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि देखिएगा, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो आपका मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना है ना, ये आपका 1919 में जो है पारित हुआ था। कब हुआ था, 1919 में जो है पारित हुआ था। और इसका एक उद्देश्य था ये कि शासन में प्रतिनिधित्व जो है सुनिश्चित करना, कि कौन जो है शासन करेगा कौन नहीं करेगा, समझ गए। और इसको जो है हम लोग भारत सरकार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। और इसको पारित करने वाले मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड नामक थे, इसलिए उनका नाम पर ही जो है योजना को निर्धारित कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 में। 1919 से एक और महत्वपूर्ण आता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, समझ गए। जालियांवाला बाग हत्याकांड यही हुआ था 1919 में ही। कब हुआ था, 1919 में 13 अप्रैल को, समझ गए, अप्रैल 13 को हुआ था। और अमृतसर पंजाब में हुआ था। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका देखिएगा कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत जो है किया जा सकता है, बताइएगा। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को जो है खाली स्थान के रूप में जो है वर्गीकृत जो है किया जा सकता है, वो क्या होगा आप बताइएगा। यहाँ पर देखिएगा, संभावित, विकसित स्टॉक, रिजर्व, और यहाँ उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को संभावित, विकसित स्टॉक और रिजर्व रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्लियर है, इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, ये पूछा हुआ प्रश्न है, कांजी राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। कांजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल और असम। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो आपका कांजी राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका असम राज्य में स्थित है, समझ गए, असम में। और अगर इसकी स्थापना पूछ दे कि स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1974 में हुआ था, समझ गए। और यह जो आपका उद्यान है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो है आपका गेंडा के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा 112 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है बाजरा नहीं है। अब यहाँ पर बताना है कि बाजरा फसल नहीं है।
यहाँ पर देखिएगा ज्वार, मक्का, बाजरा, रागी। तो मैं बताया था शायद ये पहले भी प्रश्न कि बाजरा का मतलब होता है ना कि वो फसल जिसके छोटे छोटे दाना मतलब नहीं होते, होते हैं। अगर बाजरा है तो इस बाजरा कहने का मतलब है कि बाजरा फसल के अंतर्गत जो है इसके छोटे छोटे दाने आएंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ज्वार, राई और बाजरा जो होता है ना, ये फसल के दाना के अंतर्गत जो है आपके बाजरा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मक्का जो होता है ये नहीं आता, क्योंकि इसका फसल दाना जो होता है थोड़ा बड़ा होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका बी हो जाएगा, समझ गए? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था। आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका के द्वारा जो है विश्व युद्ध जब हुआ था आपका, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 वर्ष चला था। और ये भी प्रश्न पूछता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है 6 वर्ष तक चला था, बाकी आपका जो चला था वो प्रथम वो आपका 5 वर्ष ही चला था, 1914 से 1919 तक। लेकिन जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक चला था, जो कि 6 वर्ष का था। और इसमें क्या हुआ था कि जापान ने जब मतलब अमेरिका के एयरपोर्ट पर हमला कर दिया, तो उसके बाद जो है अमेरिका गुस्सा कर जो है वो जापान की जो है 2 गो बम गिरा दिया था। तो पहला बम जो होता था वो आपका मतलब लिटिल बॉय के नाम से था, जो कि यूरेनियम 235 उसमें फिक्स था, तो वह जो है गिराया था 1945 में, समझ गए? 6 अगस्त 1945 को जो है एटम बम गिराया था। और वह कहाँ गिराया था? तो वो जो गिराया था हिरोशिमा पर गिराया था। उसके बाद जो दूसरा गिराया था वो आपका नागासाकी पर गिराया था। और ये भी याद रखिएगा 6 वर्ष का दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1939 से स्टार्ट हुआ था और 1945 तक चला था। और हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? तो 1945 को ही गिराया था, आगे पीछे, समझ गए? 2-3 दिन का अंतर में जो है 2 बम गिरा दिया अमेरिका, पूरी तरीके से तबाही तबाह कर दिया। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 114 नंबर, कौन सा व्यक्ति जो है वोट लेने का अधिकार नहीं होता है, पागल या दिवालिया, वयस्क व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति। तो इस प्रश्न का बोला है कि कौन सा व्यक्ति जो है जिसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जो व्यक्ति जो है पागल है या जिसका दिवालिया निकल चुका है उसको अधिकार नहीं है वोट देने का। बाकी वयस्क को बूढ़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, वो सभी दे सकता है। वोट देने का अधिकार जो है हमारा 18 वर्ष होनी चाहिए उम्र, समझ गए? तभी हम वोट जो है दे सकते हैं। क्लियर है? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 115 है। यहाँ पर बोला गया है कि भूमंडलीकरण शब्द का ईजाद किससे कब हुआ, यानी कि ईजाद जो है किसने और कब किया, बताइएगा। भूमंडलीय शब्द का ईजाद जो है किसने और कब किया। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, रूजवेल्ट 1989, जॉन विलियमसन 1990, फ्रेडरिक विलियमसन 1998, विरिया 1999। याद रखिएगा कि जो आपका भूमंडलीयकरण शब्द का ईजाद जो है जॉन विलियमसन ने 1990 ईस्वी में किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझ गए? अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि राष्ट्रसंघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे, यानी कि राष्ट्रसंघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे। तो जो राष्ट्रसंघ के चार्टर सदस्य जो है टोटल आपके जो है 51 राष्ट्र थे, समझ गए? कितने थे? 51। और इसकी स्थापना कब की गई थी ये भी याद रख लीजिएगा, 1900 आपके जो है 20 में किया गया था। कब किया गया था? 1920 में आपका इसका स्थापना किया गया था। और इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 117 नंबर है, और यहाँ पर बोला गया है कि चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है, आपको बताना है। चूड़ामन राय जो है किस विद्रोह से है, चेरा विद्रोह, चुवार विद्रोह, कोल विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो आपके चूड़ामन राय जो मतलब संबंधित है वो किससे है, तो चेरा विद्रोह से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चेरा विद्रोह ये कब हुआ था ये भी याद रखिएगा, 1813 ईस्वी में हुआ था, समझ गए? चेरा विद्रोह, समझ गए? अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 118 है, भारत के साथ जो है बांग्लादेश का स्थलीय सीमा कितने लंबी है। तो बांग्लादेश के साथ जो है स्थलीय सीमा जो है मतलब भारत के जो है पांच राज्यों से लगती है, ये भी याद रखिएगा। बांग्लादेश का पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम, ये। और इसकी टोटल जो है लंबाई जो है आपका 4196 किलोमीटर है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ गए? और कितने राज्य सटती है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 5 राज्य सटती है। वो कौन कौन है? तो उधर वाला ही है, बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 19 नंबर है कि 119 से 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितना थी। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है बिहार में प्रति वर्ष मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या जो थी वो आपका 11006 व्यक्ति था। कितना था? 11006 था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि NCVC को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जिसको हम लोग NCVC बोलते हैं, इसको जो है आपके 2018 ईस्वी में जो है 102वां संविधान संशोधन द्वारा जो है आपको इसको अधिकार दे दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण पहले जो है किसने किया, कोलंबस ने, मैगलगन ने, कैप्टन कुक और केवरल। बताइएगा समुद्री आपके मार्ग से विश्व का परिभ्रमण जो है सबसे पहले मैगलन ने किया था,
जो कि एक पुर्तगाली निवासी था। कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाली, समझ गए। और भारत की खोज और अमेरिका की खोज हमने आपको बताया था, कोलंबस और कोपोनिकस हमने बताया था आपको। चलिए अगले प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य में कितनी सूचियां बनाई गई है? 1, 2, 4, 3। तो भारत में क्या है कि आपके सत्ता के वितरण के उद्देश्य जो है 3 सूचियां बनाई गई है। कितनी सूची? 3 सूची बनाई गई है। वो सूची कौन कौन सी है? तो वो आपका जो है संघ सूची है, एक आपका संघ सूची है, दूसरा आपका राज्य सूची है, राज्य है, और तीसरा आपका जो है समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची है। ये 3 तरीके के बनाया हुआ है। अगला प्रश्न है, संसार के सबसे ऊंचा सड़क कौन सा है? मनाली के लेह तक, लद्दाख उमलिंग या दर्रा, और शिमला से लेह तक, और कश्मीर से लद्दाख तक। तो संसार का सबसे लंबा सड़क जो है वो आपका कौन सा है? तो संसार का सबसे लंबा सड़क जो है आपका उमलिंग ला दर्रा जो है, लगभग आपका 19,300 फीट पर है। कितना है? उमली दर्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लद्दाख का उमलिंग दर्रा, जो कि आपका 19,300 फीट की ऊंचाई पर है, समझ गए, जो कि लद्दाख में स्थित है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि विश्व समुद्र जल प्रपात किस नदी में स्थित है? विश्व समुद्र जल प्रपात किस नदी में स्थित है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ताप्ती। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा कावेरी, समझ गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी में स्थित है। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी ने दिया था, याद रखिए काफी महत्वपूर्ण है, और ये जो है आपका 1971 ईस्वी में दिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ए हो जाएगा। और आप लोग जो है कमेंट करके बताइए कि 25 महत्वपूर्ण प्रश्न में यहाँ पे कितने प्रश्न जो है सही हो रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको जो ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।